हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो वर्मी कंपोस्ट की हमारी जो बेड थी वो हमने एक तैयार हो चुकी है, और दूसरी बेड थी उसके लिए हमने गोबर है वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। ये पुराना गोबर है, ये रखा हुआ है यहाँ पे, आप ये पूरा देख सकते हो। और इसके अंदर आप ये यहाँ पे हमने ये जो बोरियाँ लगाई हुई हैं, बोरियाँ लगाने का जो मेन पर्पज़ ये होता है कि जो बाहर के जो पक्षी आते हैं उन वो केचुओं को डैमेज कर देते हैं। हमारे पास और भी हैं जो केचुए हैं, आप ये पूरे केचुओं की क्वांटिटी देख सकते हो। आप ये पूरे जो अर्थ वो में केचुए हैं वो आप ये देख सकते हो। ये क्या करते हैं कि इनके द्वारा खाद बनाई जाती है। हमारी जो वर्मी कंपोस्ट होती है वो अलग कैसे है, यूनिक कैसे है, इसके लिए हमने क्या किया हुआ है कि स्पेशल हमने जो खाद है वो तैयार की है, जिसके अंदर हम ये गाय के जो गोबर है उसको तैयार करते हैं, उसको इसमें डाला जाता है, और साथ ही जो गोमूत्र होता है वो इसमें हम डालते हैं। और इसके लिए हमने क्या किया हुआ है कि हमारा जो नीम होता है, जो अभी हमारे जो कीट पतंग होते हैं उनके लिए काम में आता है, उसके लिए हमने क्या किया हुआ है कि नीम को स्टोक किया है। और हमारी जो ये खाद जो युक्त होती है वो नीम युक्त होती है। बंद करें तो आप ये देख सकते हो हमने क्या किया है कि हमारी जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसमें हमने जो नीम होता है, आप सभी को पता है कि नीम होता है वो औषधीय पौधा होता है, और हमने क्या किया इसके नीम की जो यहाँ पे अपने कटवा दिया है, और ये नीम है हम उसमें काम में लेंगे। जो वर्मी कंपोस्ट हमने जो तैयार किया है जो केचुए, तो उनको मिक्स करके हम इसमें नीम की जो पत्तियाँ हैं वो ऐड करेंगे। तो आप ये नीम की हैं, ये कटवाए हुआ नीम है, और ये जो पत्तियाँ होंगी ये हम अलग अलग करके एक एक पत्ती को ऐसे करके और उस वर्मी कंपोस्ट खाद के अंदर हम इसको काम में लेंगे, और जो केचुए हैं वो इस को खा के और गोबर को खा के फिर वो अच्छा सा जो क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट होगा वो तैयार होगा। अगर आपको भी वर्मी कंपोस्ट चाहिए तो सोपनाओ बटन पे टैब करके आप वर्मी कंपोस्ट ऑर्डर कर सकते हो। ऐसे इंटरेस्टेड जो वीडियो हैं वो देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल को, फेसबुक को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। तो ये वीडियो था आप सभी को बताने के लिए। तो ये पूरी जो जैविक की हमारी जो कड़ियाँ चल रही हैं, जो हमने जैविक के ऊपर हमने कार्य शुरू किए हैं, जिसमें हमारे पास अभी वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी वाश है, वो अवेलेबल है। तो जिन भी किसान बंधुओं को वर्मी कंपोस्ट, वर्मी की जो आवश्यकता हो, नीड हो, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। नीचे हमने अपने नंबर दिए हुए हैं, वहाँ से कांटेक्ट कर सकता है, या फिर आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। विजिट करके फिर आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो, क्योंकि हमारी जो क्वालिटी होती है हम कुछ अलग क्वालिटी यहाँ पे लेके आए हैं, ताकि जो भी आपके जिस भी आपसे गार्डन के अंदर काम में लो या किचन गार्डन के अंदर काम में लो, तो उसमें क्या रहेगा कि आने वाली जो आपकी जो सब्जियाँ हैं वो एक गुणवत्ता युक्त पैदा होंगी। तो ये वीडियो था, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।